नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब जीवन में स्वस्थ होना चाहते हैं। कहा भी गया, दुखत्रह निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, दुखों से निवृत्ति कौन नहीं चाहता। लेकिन आजकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज, जैसे हृदय रोग, और ऐसी ही एक समस्या हो गई है थायरॉयड, जिसका एक्चुअल नाम तो हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लेकिन हम उसे जनरल भाषा में थायरॉयड कह देते हैं। तो अगर आपका भी हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है या हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। और आज बताई गई क्रियाएं आपको अपने जीवन में ज़रूर ज़रूर अपनानी है। आज हम आपको एक आसन और एक ऐसा प्राणायाम बताएंगे जिसका आपको नियमित अभ्यास करना है, और इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस अभ्यास के बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या ऐसे डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जिनको अपना करके, क्या ऐसे आहार की चीज़ें हैं जिनको अपना करके आप अपने थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो अगर हम अभ्यास की बात करें, तो सबसे पहला जो अभ्यास आपको लेना है वो है उष्ट्र आसन का अभ्यास। उष्ट्र आसन हमारे थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा अगर आपकी कमर की स्टिफनेस है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपका चेहरा निस्तेज हो रहा है, आपको लगता है कि चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं रह गई है, उम्र से पहले बाल सफ़ेद भी होने लगे हैं, इन सब समस्याओं में बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो आप इसको नहीं करेंगे, और घुटनों का अगर बहुत दर्द है, बिल्कुल घुटने काम नहीं करते तो नहीं करेंगे, लेकिन शरीर जितना इजीली इसका अभ्यास कर सकता है उतना ज़रूर करना है। एक समस्या अक्सर हो जाती है, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं अच्छा अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मैं ये कम्प्लीटली नहीं करूँगा, अच्छा घुटनों में दर्द है, मैं कम्प्लीटली ज़मीन पे नहीं बैठूंगा। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा शरीर उसी चीज़ के को अडेप्ट कर लेता है। तो अगर घुटनों में दर्द है तो ज़मीन पर बिल्कुल ही बैठना बंद कर दें, ये समझदारी नहीं है, लेकिन अपने आप को टॉर्चर करें ये भी समझदारी नहीं है। तो हमें क्या करना है, जितना हमारी क्षमता है, हमारी शरीर की कितनी कैपेसिटी है, उतना अभ्यास हमको ज़रूर ज़रूर लेना है। तो आइए करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन आप सभी जानते हैं, एकमात्र ऐसा आसन जिसको भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है, और इसके अनेक अनेक लाभ है। उसका नाम ही है वज्र। तो हमें वज्र के समान हमारे डाइजेशन को कठोर बना देता है, अच्छा बना देता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस आसन में बैठ करके फिर धीरे से हम उठ जाते हैं और घुटनों के बल आ जाते हैं। यहाँ आकर के धीरे धीरे से पीछे झुकना, अपने हथेलियों को पैरों पर टिका देना और कमर का आर्क बना लेना, हिप्स को आगे की ओर पुश करना, कमर का पूरा आर्क बना हुआ है, गर्दन झीली छुटी हुई है, रक्त का संचार खोपड़ी की तरफ जा रहा है, और विशेष रूप से गले पर, थ्रोट पर आप खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। फिर धीरे से वापस आना, वज्रासन में बैठ जाना। एक काउंटर पोज इसके बाद जरूर ले लेते हैं, क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है। तो अपनी हथेलियों को इस तरह से जमीन पर टिका दीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, जितना आगे झुक सकते हैं। अगर माथे को जमीन से छू सकते हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं छू सकते तो जहां तक माथा ले जा सकते हैं वहीं पर रुक जाएंगे, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे। और फिर पहले अपनी कोहनियों को उठा लेंगे, चेहरे को उठा लेंगे, फिर घसीटते हुए ही हाथों को वापस ले आएंगे। ये काउंटर पोज हमने इसलिए किया ताकि हमारी कमर रिलैक्स रहे, और विशेष रूप से जो आपने थायरॉयडिज्म के लिए इसका अभ्यास किया है इसे आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। दोनों अभ्यास को ही 3 बार कर लीजिए। तो ये तो हुआ उष्ट्रासन। इसी के साथ साथ आपको करना है उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जायी प्राणायाम थायरॉयड की प्रॉब्लम के लिए रामबाण का कार्य करता है। और साथ में अगर आपको खराटे आते हैं ना, जो कि एक बड़ी आम समस्या हो गई है, लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं खराटों के कारण, तो अगर आपको भी खराटे आने की, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, तो भी ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। क्या करना है हमें, हमें अपने आसन में सीधा बैठना है, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना है, कमर सीधी, और अपनी जीभ को अंदर फोल्ड कर लेना है। यानी जैसे आप जीभ को ऊपर टच करते हैं तालू पे एक आवाज निकालने के लिए, ऐसे ऊपर टच करेंगे जीभ को और अंदर फोल्ड कर लेंगे, जीभ को अंदर फोल्ड कर लिया। उसके बाद नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है, लेकिन सांस लेते समय हमें ऐसी ध्वनि का उच्चारण करना है जैसे हम खराटा मार रहे हों, और सांस छोड़ते समय भी खराटे जैसी ध्वनि
बनानी है। अब ऐसा करते समय आपको नाक पर, नाक के पीछे, गले में ऐसा महसूस होना चाहिए कि हवा जो है वो टच करती हुई जा रही है और टच करती हुई ही आ रही है। एक बार देखिए कैसे करना है। ऐसा करके अपने गले को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। थोड़ी देर आंख बंद करके ही रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। आरंभ में 5 बार करें, धीरे धीरे 10 बार तक ले जा सकते हैं। शुरू में आपको उज्जायी प्राणायाम करने में जटिलता हो सकती है, आपको हमको देखकर ऐसा लगाओगे बहुत इजी है, बहुत सिंपली हम इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें खराटे की आवाज़ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम बाल्यावस्था में थे और हमने ये करना शुरू किया था, हमें भी थोड़ा सा समय लगा था। तो निराश मत होइएगा और गलत इन्फॉर्मेशन मत ले लीजिएगा कि ओम जैसी आवाज़ निकालनी है या भंवरे जैसी आवाज़ निकालनी है या बांसुरी जैसी आवाज़ निकालनी है। नहीं, स्ट्रेट, वेरी सिंपल आपको खराटे जैसी आवाज़ निकालनी है। तो इन दोनों अभ्यास आप रेगुलरली कीजिए। हमने कहा था जाने से पहले कुछ डाइट के विषय में बात करेंगे, तो विशेष रूप से अगर थायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है तो हमें अपने हॉर्मोन्स का संतुलन बना करके रखना है, जिसके लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो प्राकृतिक हो। हमें अपने आहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जंक फूड को अवॉइड करें, बहुत तला भुना भोजन ना करें, सात्विक आहार लें, यौगिक आहार लें। अपनी दिनचर्या में एक चीज़ को ज़रूर ऐड करें कि 20 मिनट्स हम सनलाइट ज़रूर लें, या तो हरी घास पर नंगे पैर चल सकते हैं उस 20 मिनट में, या फिर सूर्य की किरणों में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बट प्रकृति का सानिध्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस से दूर रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, रात को समय से सोएं, सुबह समय से जगें, योग निद्रा, भारत योग की योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमसे भी जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।